गुरु विद्या सागर की जय जयका, ये शरद पूनम की चंदा, ये शरद पूनम की चंदा हो। जन्म दिवस गुरु का गुरुवा, विद्या के भंडार, विद्या के भंडार, गुरु विद्या सागर की जय जयकार, गुरु विद्या सागर की जय जयकार, गुरुवर गुरुवर मुनिवर मुनिवर, जय हो गुरुवर विद्या सागर। पंचम काल में चौथे काल के गुरु के श्रेष्ठ उदाहरण है, ओ गुरु के श्रेष्ठ उदाहरण है। एक तो संत उस पर कविवर, दो दो मुख आकर्षण है, ओ दो दो मुख आकर्षण है। ज्ञानी सागर से ज्ञानी मुनि दीक्षा के दानी, विद्या सागर के वाणी वो तो आगम प्रमाणी। ज्ञानी सागर से ज्ञानी मुनि दीक्षा के दानी, विद्या सागर के वाणी वो तो आगम प्रमाणी। कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित, कुछ भी नहीं पूर्व नियोजित, हो निज इच्छा से करे विहार, विद्या के भंडार, विद्या के भंडार, गुरु विद्या सागर की जय जयका, गुरु विद्या सागर की जय जयकार, मुनिवर मुनिवर, गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर विद्या सागर। बोलिए अध्यात्म सरोवर के राजन संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरु विद्या सागर जी महामुनि राज की। बोलिए नमोस्तु भगवान। नमो संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पूना से पधारे आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था साहब, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जैन संगठना के संस्थापक, जब 1985 में उसका स्थापना हुई, आप जैन समाज के लिए बहुत अच्छा उत्थान का कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से MOU साइन हुआ, वे जल संकट पर बहुत कार्य कर रहे हैं और आचार्य परमेष्ठी के मार्गदर्शन के लिए आज यहां पर चंदगिरी में पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था, आप सभी साथियों सहित आपसे निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और सुकमाल भैया जी से, विनोद भैया से निवेदन है, सहयोग प्रदान करें। हाँ, सुधीर भैया, विनोद भैया आपसे निवेदन। हाँ, प्रारंभ करें। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भूला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवान मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवान मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवान मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवान मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम। बोलिए देवादिदेव अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। मैं
आज के प्रथम सांस भेंट करने के लिए शांतिलाल जी मोहता साहब से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए और आचार्य भगवान के करकमलों में आज के प्रमुख शास्त्र में प्रथम सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। और हमारे चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सिंगई श्री किशोर भैया से निवेदन करता हूं कि ये अहिंसा के संदर्भ में भारतीय विद्वानों के जो विचार हैं आचार्य भगवान के चित्र सहित यह प्रस्तुति उन तक पहुंचाएं। कार्यकारी अध्यक्ष विनोद बी बरजात्या शांतिलाल जी मुद्दा को यह प्रस्तुति देने का कष्ट करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। शांतिलाल जी मुद्दा आचार्य इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के करकमलों में सांस प्रदान करते हुए श्री किशोर जी सिंगई और विनोद जी बरजात्या अहिंसा के संदर्भ में भारतीय संतों के विचार अद्भुत विचार की प्रस्तुति उन्हें देते हुए ये भेंट करते हुए आज तालियां बजाकर सम्मान करना चाहिए। पूना से पधारे श्री शांतिलाल जी मोहता साहब, आपने जल संकट पर अपने कार्य कर रहे हैं और इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ मार्गदर्शन लेने भारत शासन के मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ मंत्रियों के निर्देशन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है, अनुमोदना है। उपस्थित महानुभाव, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य भगवान के सानिध्य में हमें यह अवसर प्रदान हो रहा है। नीचे आप देख रहे हैं प्रतिभा स्थली की छात्राओं के द्वारा, प्रतिभा मंडल की दीदियों के द्वारा 77 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए हैं और 77 प्रकार के व्यंजन गांव में सबको वितरित किए जाएंगे। ऐसे क्योंकि किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने खोजो शब्द तुम्हारे, तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय है। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय है। और हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। बोलिए इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की। उपस्थित महानुभाव, आज वह महान दिन है जब आचार्य भगवान के करकमलों से 1997 में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र ने मावर में 10 जैनेश्वरी दीक्षा का सौभाग्य मिला। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। पूज्य मुनि अपूर्व सागर जी महाराज, पूज्य मुनि निर्यापक प्रशांत सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हो चुके हैं, और उसके बाद तीसरे मुनि महाराज हैं पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास शिखर जी में चल रहा है। जय हो बोलते चले। पूज्य मुनि विनीत सागर जी महाराज जो परभणी महाराष्ट्र में, जिनका चातुर्मास चल रहा है। जय हो जय हो जय हो। पूज्य मुनि निर्णय सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास इटारसी में चल रहा है। जय हो जय हो जय हो। पूज्य मुनि प्रबुद्ध सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास दमोह में चल रहा है। जय हो जय हो। पूज्य मुनि प्रवचन सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हैं। जय हो जय हो। पूज्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास बेलगाम कर्नाटक में चल रहा है। जय हो। पूज्य मुनि पाय सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास बीजापुर कर्नाटक में चल रहा है। ऐसे 10 मुनिराज हैं जिनके नाव के नाम मैंने ले लिया। दसवां कौन सा सौभाग्यशाली नाम है जिसे हमें लेना है? तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 10 दीक्षाएं 1997 में हुई, दसवां जिनका नाम है इस मंच पर विराजमान है, पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महामुनिराज की। जय हो। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। जय हो। हम सभी महाराज के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद समाज से देखिए, एक वेशभूषा में अनुशासन का पालन करते हुए जहां पूर्णमती माता जी विराजमान है, धर्म की प्रभावना हो रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है। तालियां बजाकर उसका अभिनंदन है। अनुमोदना अनुमोदना, दो व्यक्ति अनुमोदना बारंबार,
है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। नीचे से नीचे से नीचे से भाई साहब, भाई साहब नीचे से आए। और इसके साथ राजिम समाज से जो आए हैं अपने स्थान पे खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों, सभी लोग यहीं रहेंगे, कोई नहीं आएगा, बस 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 भैया बस वहीं रुके। सभी लोग राजिम समाज से आए हैं जो अपने स्थान से खड़े हो जाएं, और भोपाल समाज से जो आए हैं अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु कर लें। नहीं 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 होगा, नहीं होगा ना, कुछ लोग बात का चलन करो। रायपुर जैन समाज, मैं बोला भिलाई जैन समाज, राजनांदगांव जैन समाज, तालियां एक दूसरे का बजा के अभिनंदन कर ले, स्वागत कर ले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जैन समाज, भाटापारा जैन समाज, अब खड़े होते चले, डोंगरगढ़ जैन समाज, डोंगरगांव जैन समाज, छुई खदान जैन समाज, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होते जाएं, यहां से किसी को न भेजें, सभी को, सभी अकलतरा जैन समाज, राजनांदगांव जैन समाज, रुआबांधा जैन समाज, कोटा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष, क्योंकि आचार्य भगवान किसी एक प्रांत, किसी एक धर्म, एक संत समाज के संत नहीं है, जन जन के संत हैं। सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का, इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का, दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। उपस्थित महानुभाव, दो मिनट रुको ना, अरे बोल रहा हूं। आज सिहोरा से पूज्य मुनि 108 निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहां पर उपस्थित हैं। तालियां बजाकर अनमोल ना, आप आए और समाज भी आइए। आप तीन व्यक्ति आकर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में ऊपर से जाकर सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और माननीय श्री शांतिलाल जी मोत्था साहब, आपसे निवेदन है, आप अपनी बात इस मंच पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संक्षेप में रखें। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी विद्यासागर जी नमोस्तु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये हम हमारा सौभाग्य समझते हैं कि इस देश में आधा प्रतिशत रहने वाली जैन कम्युनिटी, इस पूरे देश में जो पानी का संकट बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आज से आपके जन्मदिन से आपके आशीर्वाद से पूरे देश में एक जल क्रांति निर्माण होगी, और उस जल क्रांति का आज आपके आशीर्वाद से हम शुरुआत लेना चाहते थे। हमें यह सौभाग्य आज प्राप्त हुआ और आपको ये वादा करते है कि आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में एक जल क्रांति आपके आशीर्वाद से हम करके बताएंगे। इतना ही आपके आशीर्वाद हम चाहते हैं गुरुदेव जी। देखिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात कही है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आचार्य भगवान से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां। शांतिलाल जी मोत्था पूना से पधारे हैं और भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा काम जैन समाज के लिए कर रहे हैं, आपको बधाइयां। मैं इसके पास आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य गुरुमती माता जी के परिवार से, बंटी भैया बंडा से हैं, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी महानुभाव से निवेदन, वीरेंद्र कुमार जी जैन दाऊ परिवार, नेहा दीदी जी, सुभी दीदी जी, आप आए, आपने अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने का, चांदी के 3 बड़े बड़े आकर्षक सुंदर छत्र बनाए, तालियां बजाकर अनुमोदना। और उनसे निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, हे वंदना हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार, अनुमोदना 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 बार, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
हो मीठे रसे से भरोड़ी गुरुवाणी लागे हजिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे हो मीठे रसे से भरोड़ी गुरुवाणी मंच से सभी लोग नीचे उतर जाएं हजिन वाणी और लागे आज के इस पावन पुनीत अवसर पर आचार भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों को और पदाधिकारियों को प्राप्त होने जा रहा है। अनुमोदना तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हेलो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की सभी लोग पीछे बैठते चलें सामने कोई भी ना आए आप सभी से निवेदन मैं नाम ले रहा हूं संजना जी विनोद जी बरजात्या जो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया तालियां बजाकर अनुमोदना और श्रीमान विनोद जी संजना जी बरजात्या आपसे निवेदन आप आए शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुशांत जी रूपश्री स्फूर्ति निहाल जी बेंगलोर से हैं आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमंत सेठ विनोद जी जैन श्रीमती रंजना जी जैन बिलासपुर आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया जिनके नाम हो रहे हैं वे दो दो लोग आते चलेंगे दो लोग से ज्यादा नहीं तीन लोग आ जाए जल्दी शीघ्रता से। संगीता जी कासलीवाल नम्रता बड़कोर नेहा जी जैन मंजू जी जैन मुंबई से आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संदेश जी अनूप कुमार गांधी संपदा गांधी पूना से हैं आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ नहीं नहीं 77 आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी जिन वाणी जय हो तेरी जय हो जिन वाणी जय हो तेरी जय हो। गांधी जी जय कुमार नेमीचंद जी गुणायतन ट्रस्टी सूरत से हैं आपको भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और प्रतिभा स्थली की एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने नीट का एग्जाम बिना कोचिंग के सिर्फ प्रतिभा स्थली की दीदियों के शिक्षकों के माध्यम से तैयार किया और उसमें 611 अंक प्राप्त किए हैं तालियां बजाकर सम्मान और प्रतिभा स्थली की उस छात्रा से मेरा निवेदन है आप आए और आचार भवन के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्री निर्मल जी झांझरी और दीमापुर से श्रीमती झांझरी आप भी आए आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिभा स्थली की वो छात्रा जिन्होंने हाईएस्ट मार्क लाए हैं जिसमें उसका एडमिशन MBBS में भी हो सकता है किंतु उसने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित पूर्ण आयु में एडमिशन लिया है तालियां बजाकर अनुमोदना। और हम सभी आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कमल जी जैन ज्योति जी जैन छतरपुर सास भेंट का सौभाग्य हाँ आप सभी से निवेदन हमने सभी के नामों को सम्मानित करने की कोशिश की और सभी को सौभाग्य मिला। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य अनिल जी सुदेश जी निर्मल देवरे जी हरसोला परिवार आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ कोटा वाले चलो जल्दी जाओ शुरू करो
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भाव भाव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छुपामि। भैया माइक माइक चाहिए था, माइक चाहिए था, माइक चाहिए था, शुरू करो माइक दे। माइक बंद है क्या? हेलो हेलो, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। चरणों में पूजन करने के लिए मूक माटी के समस्त पात्र अपने भावों को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। गुरुदेव की स्थापना करने के लिए धरती माँ स्वयं आज गुरुदेव के चरणों में आई है और वे अपने भाव प्रस्तुत कर रही है। हे गुरुदेव, मैं रत्न गर्भा जिसने समस्त प्रकार के खनिज रत्न समाहित होते हैं, आज आपको अपने हृदय कमल में विराजमान करने के लिए आह्वान करती हूँ। हे स्वामी, हम सभी के हृदय कमल में आकर के विराजमान हुई है। हे गुरु जी, हम सभी के हृदय कमल में विराजमान हुई है। जल संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवि कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। हे गुरुदेव, हम जल की बूंदे भिन्न भिन्न पात्र को पाकर अलग अलग स्वरूप में परिणत हो जाते हैं। यदि हम बूंदे धूल में जाते हैं तो दलदल बन जाते हैं, यदि हम नीम की जड़ में जाते हैं तो कड़वाहट बन जाते हैं, यदि हम सागर में जाते हैं तो खारे लवणाकर बन जाते हैं और सीप में जाकर मोती बनकर जगमगाते हैं। यह संगति का ही परिणाम है गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम बूंदों को हमें पावन कीजिए, इसी भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल स्वाहा। जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से गुरुदेव, हम बदलियां आपके चरणों में आए हैं। हे गुरुदेव, अनंत काल से हम बदलियां बदली की भावना से संतप्त थे, आज आपकी पावन सन्नति से हमारे इस मन को असीम शीतल शांति की अनुभूति हुई है। सदैव ही यह शीतल छाया संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण विश्व पर बनी रहे, इसी भावना के साथ ओम रोम संत श्रोमणि आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। Oh,
हे गुरुदेव, हम कंकर हैं, हम चिरकाल से मिट्टी के साथ रहकर भी कोमलता और मृदुता को प्राप्त नहीं कर सके। आपके पावन आशीष से अपनी अंतरंग के किरकिरेपन को नष्ट कर अक्षत स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुख को प्राप्त कर सके, इसी भावना के साथ ओम ब्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतमिति स्वाहा। गुरुदेव, मैं काटा हूँ, मैं सदैव सूल की भांति सबको चुभता हूँ, परंतु फूल की सुरक्षा मेरे द्वारा ही होती है। हे गुरुदेव, आप अखंड ब्रह्मचर्य के धारी हैं, पुष्प वासना का प्रतीक है। हे गुरुदेव, हमारे अंदर की समस्त वासनाओं का नष्ट हो, नाश हो और हम वैराग्य को धारण करें, इसी भावना के साथ काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वाणामि स्वाहा। प्रकाश मिलता है पर अत्यल्प, इससे अग्नि की लपटें उठती हैं, दीपक संयम सील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है, इसीलिए हम सभी पथ प्रदर्शक दीप के समान तामस नासी बने, इसी भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वाणमिति स्वाहा। गुरुदेव, आप महासागर के समक्ष, मैं सागर आज धूप भेंट करने आया हूँ। संचय की प्रवृत्ति के कारण मैं खारेपन को प्राप्त हो गया हूँ, इसीलिए हे भगवान, मेरे अंदर के इस लवण को मिश्री के सम मधुर बनाकर मेरे अंदर के समस्त कर्मों को नष्ट कर मुझे भी सुरभित कीजिए। हे गुरुदेव, इसी भावना के साथ आपके चरणों में ओम रूम संत श्रोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दयनाय रूपं निर्वाणमिति स्वाहा। गुरुदेव, आज हम नौ रस आपके चरणों में फल भेंट करने आए हैं। हे गुरुदेव, हम समस्त रस आज आपके चरणों में वह अध्यात्म का रस लेने आए हैं जो संसार के किसी भी रस में नहीं है। हम सभी रसों को अपनी शरण प्रदान कर अध्यात्म का रस प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम सभी आए हैं। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
महा मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वाणति स्वाहा। सेठ सेठानी आज उस कलश को लेकर के आपके चरणों में आए हैं, जिसने कठिन से कठिन संघर्षों को तप करके कलश का रूप धारण किया है। ओम रूम संत श्रोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय तिनके चरणारविंद में अर्घम जय मालाय अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ ले और आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें। हे आचार्य परमेश्वरी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।